गाइस WWE के इतिहास में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है जो देखने से बहुत लोगों का फटके चार हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही सख्त लौंडे हैं। और इसलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले कुछ फटके चार हो जाने वाले मोमेंट, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, आसमान से गिरे केचुए दूसरों के बीवी को लेकर भाग गए। वाओ, क्या पोएम कहा मैंने। गाइस हम सब बुगीमैन को जानते ही होंगे और ये रेसलर कुछ भी खा जाते थे, उनकी फेवरेट था केचुआ, लेकिन बुगीमैन बहुत ज्यादा बड़े दिल वाले है और इसलिए तो जो भी केचुआ वो खाते थे सबको खिलाते थे, वो चाहे मेल हो या फिर कोई फीमेल हो। तो गाइस एक दिन रॉकी बैक स्टेज में उनके ओपोनेंट बुकर टी और शार्मेल काला चश्मा गाना लगा के डांस कर रहे थे और तभी आए बिन बुलाए मेहमान बुगीमैन, उनको देखकर सभी लोग भाग गए थे। और इसके बाद रॉकी एक एपिसोड में एक मैच हुआ बुगीमैन वर्सेस बुकर टी के बीच, लेकिन उस मैच में आ गए थे इंटरफेयर करने के लिए शार्मेल, और शार्मेल पीछे से अटैक करने की कोशिश किया था बुगीमैन को, लेकिन बुगीमैन बहुत ही शातिर है और इसीलिए शार्मेल को पकड़ लिया। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि बुगीमैन का दिल बहुत बड़ा है और इसलिए तो शार्मेल को एक पप्पी दे दिया, लेकिन पप्पी के साथ साथ शार्मेल के मुंह में केचुआ भी डाल दिया और शार्मेल मानो पागल हो गई थी भाई। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि इसके बाद एक और एपिसोड में बुगीमैन रिंग के नीचे से एंट्री किया और शार्मेल को पकड़ लिया और इस बार तो अपने कंधे में लेकर चले गए, तो बुगीमैन को देखकर सब लोग डर रहे थे। नंबर टू, फटके चार हो गई। गाइस हम सब लोग एरिक रॉयन को तो जानते ही होंगे, तो कुछ ही साल पहले एरिक रॉयन WWE में काम करते थे और एक मिस्टीरियस केस लेकर रिंग में आते थे, लेकिन उस केस के अंदर क्या था किसी को भी नहीं पता था और जो भी रेसलर्स उस मिस्टीरियस बक्से को देखना चाहते थे एरिक रॉयन उनको उस बॉक्स के बहुत ही पास ले जाते थे और कुछ देर बाद उस रेसलर का फटके चार हो जाता था, लेकिन हर बार डर के मारे, लेकिन एट द एंड बैक स्टेज में एरिक रॉयन उस बक्से के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर को बाहर निकाला और सब लोगों को डराया। गाइस हम सब लोग केन को तो जानते ही होंगे, तो 2014 में केन वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच एक मैच हुआ था और उस फाइट के दौरान केन एक प्रोमो करने लगे सेथ रॉलिंस के साथ और केन सेथ को बताया देखो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन कुछ देर बाद रिंग फार के बाहर आए रेड मॉन्स्टर केन और केन को देखे सेथ का हालात टाइट हो गया था और सेथ रॉलिंस केन को लेके चले गए और ये सीन बहुत डरावना था गाइस। और गाइस ये तक थी आज की ये वीडियो, तो कैसी लगी ये वीडियो एक कमेंट तो कर दो, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।